फाइव सीज ऑफ मार्केटिंग एनालिसिस की बात करेंगे। ये पांच सी एक मार्केटर के लिए, एक कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम थर्ड सी की बात करते हैं। थर्ड सी है कॉम्पिटिटर। जहां कंपनियां होंगी, जहां कस्टमर नीड्स होंगे, वहां कॉम्पिटिशन भी होगा, इसीलिए कॉम्पिटिटर्स भी होंगे। इसीलिए आपको सावधान रहना बेहद जरूरी है। और कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता, हम केवल मौजूदा प्रतियोगी के बारे में ही नहीं कहते हैं। प्रतियोगिता मौजूदा के अलावा संभावित जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में आ सकती है, जो आपका मार्केट ले सकती है या मार्केट आपका छीन सकती है, उन पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। प्रतियोगिता पर ध्यान देने की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक कस्टमर के पास जब भी दूसरा ऑप्शन होगा तो दूसरे ऑप्शन की तरह आकर्षित हो सकता है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि आजकल कार्स हैं, तो कई सारी कार कंपनियां हैं, जैसे मारुति सुजुकी, ह्युंडई। आपने ये भी देखा होगा टेक्नोलॉजी के साथ साथ इलेक्ट्रिक कारों का प्रचलन बढ़ा है। इसीलिए इन सब कंपनियों के लिए जरूरी है कि ये धीरे धीरे अपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स लेके आए, अन्यथा टेस्ला जैसी कंपनी मार्केट में आएगी, जैसा अमेरिका में हुआ, और बहुत सारे ऑर्डर्स इकट्ठे कर लेगी। और ये बहुत सारे ऑर्डर्स किन कंपनीज के नाम पे होंगे, किन कंपनीज के बलबूते होंगे, और कौन सी कंपनी इन ऑर्डर्स को लूज करेगी, वो है जीएम, फोर्ड, जो कि अमेरिकी बाजार में मौजूद है। इसीलिए एक कंपनी को कंपटीशन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डिफरेंशिएशन लाना जरूरी है, और मार्केट की बदलती जरूरतों के हिसाब से भी उन्हें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाना जरूरी है। इसे समझने के लिए मैं और एग्जांपल देता हूँ, सोनी का। एक समय सोनी ने वॉकमैन और डिस्कमैन का आविष्कार किया और उसे मार्केट में लाया। कस्टमर्स ने उसे हाथों हाथ लिया, पर धीरे धीरे कस्टमर्स की जरूरतें बदलती गई। तो वॉकमैन में कैसेट्स यूज होते थे, सोनी ने प्रोग्रेशन करके एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की और सीडीज और डीवीडीज के थ्रू डिस्कमैन को मार्केट में लॉन्च किया। वो प्रोडक्ट्स भी काफी सफल रहे। उसके बाद फिर कस्टमर्स की जरूरत बदलती गई। अब कस्टमर्स को लगभग आधे किलो का या 300-400 ग्राम का भारी भरकम डिस्कमैन नहीं चाहिए था गाना सुनने के लिए। उसे एक छोटा डिवाइस चाहिए था जिससे कि वो गाना सुन सके और बहुत सारे गानों को स्टोरेज भी कर सके। और इसके लिए एप्पल एक प्रोडक्ट लेके आई, जिसका नाम ऑलरेडी आपको मालूम होगा, जिसे हम आईपॉड्स कहते हैं, और उसने पूरा मार्केट शेयर ग्रैब कर लिया और सोनी उस मार्केट में कहीं भी नहीं रही। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है, कई सारी सक्सेसफुल कंपनियां भी कस्टमर्स की बदलती जरूरतों को समझ नहीं पाती, और जो उन बदलती जरूरतों को समझ पाएगी वही मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुल होगी। आइए एक और एग्जांपल देता हूं। आइए कोक और पेप्सी की बात करते हैं, जिसका दिन प्रतिदिन आप यूज करते हैं। अब मार्केट हेल्थ सेंट्रिक होता जा रहा है, हम अपने स्वास्थ्य के लिए ज्यादा चिंतित हैं और अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट हो फ्रूट ड्रिंक्स पीने में, हो सकता है आपको इंटरेस्ट हो लाइम जूस पीने में। तो ये सब प्रोडक्ट कैटेगरीज या तो कोक या पेप्सी के द्वारा लॉन्च की जाएंगी या कस्टमर अपने नीड्स को बदल लेगा। इसीलिए प्रतियोगिता को समझना बहुत ही जरूरी है, प्रतियोगियों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आए तो आपका मार्केट खराब भी कर सकते हैं। इसीलिए प्रतियोगियों से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। आइए अब फोर्थ सी की बात करते हैं। फोर्थ सी है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कोलैबोरेटर को हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स। एक बिजनेस केवल खुद के बलबूते या खुद की संसाधन या क्षमता पर नहीं चल सकता है, उसके लिए बहुत सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर एक कार कंपनी है जैसे मारुति सुजुकी, उसके पास सैकड़ों पार्ट्स अलग अलग कंपनी से आते हैं। उसके अलावा बैंकर्स की जरूरत पड़ती है, फाइनेंसर्स की जरूरत पड़ती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की जरूरत पड़ती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज की जरूरत पड़ती है। ये सब ही एस्पेक्ट्स कोलैबोरेटर्स के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें हम पार्टनर्स भी कहते हैं, और आपकी सफलता के लिए ये भी उत्तरदायी है। इसीलिए पार्टनर्स का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आजकल एक नया टर्म हुआ है, आपने तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा, क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम कस्टमर की लॉयल्टी की बात करते हैं और कस्टमर से रिलेशनशिप मैनेज करना चाहते हैं, ताकि हम बेहतर से बेहतर बिजनेस आगे भी कर सके और कस्टमर हमारा लॉयल रहे और हमें लगातार बिजनेस देखता रहे। उसी तरह आज के युग में हम पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं,
जिसे हम PRM कहते हैं। ये पार्टनर रिलेशनशिप बहुत ही जरूरी है जिसके कारण आप मार्केट में सफलता अर्जित कर सके, क्योंकि आपका सफल होना भी इनके सफल होने पे डिपेंड करता है। अगर आपको याद होगा एक टाइम पे टाटा नैनो को लॉन्च किया गया था, तो टाटा नैनो को 1.5 से 2 लाख रुपए में लॉन्च किया गया था। उस प्राइस में टाटा नैनो को बनाना और बेचना केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि कई सारे पार्टनर्स, कई सारे मैन्युफैक्चरर्स, कई सारे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एक साथ आकर ऐसे प्रोडक्ट को बना पाए जिससे टाटा कंपनी टाटा नैनो लॉन्च कर पाए। इसीलिए पार्टनर्स का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आइए अब हम पांचवें सी की बात करते हैं। पांचवा सी है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बहुत ही जरूरी है। एनवायरनमेंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसी बिजनेस एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट करते हैं और उसी बिजनेस एनवायरनमेंट से आप फायदा उठा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट चाहे कल्चरल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, रेगुलेटरी हो या लीगल हो, या फिर कहें सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, नियामक और कानूनी हो, ये सभी कॉन्टेक्स्ट आपके बिजनेस पे काफी इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए एक बिजनेस को इनसे फायदा उठाना बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा कि पिछले 20 सालों में इंटरनेट, वेब और मोबाइल टेक्नोलॉजीज का बहुत ही ग्रोथ हुआ है। इसीलिए आप देखते हैं आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बहुत पॉपुलर है जिसे हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं, एम कॉमर्स बहुत ही पॉपुलर है जिसे मोबाइल कॉमर्स के नाम से जानते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी बहुत ही पॉपुलर है। और इन सब टेक्नोलॉजीज के कारण ही कई सारी कंपनियां आज के डेट में मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, फोनपे। इसीलिए आपको कॉन्टेक्स्ट से, इन्वायरमेंट से फायदा उठाना बहुत ही जरूरी है। आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है, इससे आप फायदा उठा पाएंगे। जैसे भारत में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो होम लोन्स काफ़ी पॉपुलर हैं। ये किस लिए पॉपुलर है? क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीदना चाहते हैं। घर खरीदने का एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत सरकार टैक्स में कई सारे डिडक्शंस देती है अगर आपने होम लोन लिया तो, इसके चलते भी होम लोन्स प्रमोट होता है। इसीलिए होम लोन्स कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, बिल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है जहां अपने वो बिल्डिंगें और होम्स को बेच सकते हैं क्योंकि सरकार भी उसको प्रोत्साहित कर रही है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि भारत में एक रेगुलेशन है जिसमें 4 मीटर से अगर किसी कार की लंबाई कम हो तो उस पे कम टैक्स लगता है। कार अलग अलग कैटेगरी में भारत सरकार के हिसाब से डिवाइडेड है जिसके हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। एक कैटेगरी है जिसमें कार को क्लासिफाई किया गया है कि अगर वो कार 4 मीटर से कम लेंथ में होगी तो उस पर कम टैक्स लगेगा। तो कुछ सालों पहले टाटा मोटर्स की एक कार थी, उसका नाम था इंडिगो, बहुत ही पॉपुलर कार थी और काफ़ी बिकती भी थी। वो कार लगभग 4.25 मीटर की थी। तो कंपनी ने इस रेगुलेशन का फायदा उठाने के लिए ऐसा किया कि उस कार को 4.25 मीटर से छोटा कर दिया। तो उन्होंने 4 मीटर से कम की कार बना दी और उस मॉडल को उन्होंने लॉन्च किया इंडिगो CS के नाम से। और ये कार काफी पॉपुलर हुई क्योंकि कम टैक्सेस के कारण ये कार लगभग 50,000 से 75,000 रुपए सस्ती हो गई। इसके कारण ये मार्केट में कार काफी अट्रैक्टिव हो गई और लोग काफी इसको खरीदने लगे और कंपनी को कुछ करना भी नहीं पड़ा। कंपनी का जो बूट स्पेस था उसको उसने बैक साइड से कम किया और कार को 4 मीटर के दायरे में ले आया। और 4 मीटर के दायरे में लाने के बाद वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से फिट बैठने लगी और कम टैक्सेस देने लगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि मार्केट में हर कार कंपनी ने इस स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट किया और आपने देखा होगा मारुति डिजायर, ओके, और हर कार कंपनी लाइक ह्यूंडई, एक्सेंट, सब कार कंपनियों की कारें जो है आज के समय में 4 मीटर से छोटी है उस टैक्स का फायदा उठाने के लिए। इसके अलावा एक नया सेगमेंट प्रीमियम हैचबैक का भी इमर्ज हो गया जिसमें मारुति बलेनो, ह्यूंडई i20 आदि कारें प्रमुख है। ये सब कारें आज के डेट में कम टैक्सेस देती हैं क्योंकि इनकी लंबाई 4 मीटर से कम है और ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस का फायदा उठाती है। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हमने 5 C's ऑफ मार्केटिंग एनालिसिस की चर्चा की। ये 5 C एक कंपनी की सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो मार्केट में सफल होंगे। और ये C है कस्टमर नीड्स, कंपनी, कॉम्पिटिटर, कोलैबोरेटर और कॉन्टेक्स्ट। अगर आप इनका अच्छी तरह ध्यान रखेंगे तो मार्केट को अच्छी तरह एनालाइज कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे और मार्केट में सफलता हासिल कर पाएंगे।
और आपके प्रोडक्ट्स भी कस्टमर्स को पसंद आएंगे। धन्यवाद।